नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर के को लेकर एक बार फिर आपके बीच आया हूं, जहां बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार चल रहा है। जहां एक तरफ ऑपरेशन क्लीन यूपी पुलिस लगातार कर रही है, वहीं बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जहां एक किसान के साथ दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें, बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बोहला चौकी के समीप एक किसान क्रेडिट कार्ड में पैसे जमा करने गया था और रास्ते में ही तमंचा दिखाकर, चाकू दिखाकर तीन बाइक सवार बदमाशों ने उससे लूटपाट की घटना को अंजाम देकर बेखौफ वहां से फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और मामले की खुलासे की जल्द बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बागपत में अपराध बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आए दिन लूट, मर्डर और बड़ी बड़ी रंगदारी जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बागपत पुलिस के खिलाफ बेखौफ बदमाशों का साफ तौर पर आतंक देखा जा सकता है और बागपत एसपी नीरज जादौन का साफ तौर पर ऐसे बदमाशों के खिलाफ कहीं ना कहीं उनकी तलाश जारी है। उनको जल्द पकड़ा जाएगा और जल्द खुलासा किया जाएगा, साफ तौर पर कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं बागपत पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है और बदमाश दिन प्रतिदिन घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। कैमरा सीयू के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत। क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। पूरी बात यह है जी, हमारे पास में तो उसका फोन आया था। किसका फोन आया? जिसकी लूट हुई, जिसके साथ लूट हुई उदयवीर का। तो उसने हमें बताया भाई ऐसे ऐसे मार पिटाई होगी और मेरे पैसे छीन लिए। कितने पैसे थे? हमें बताया उसने 1,38,000 रुपये जो बताया। तो बोला मेरे साथ काटपीट भी कर दी, तो हम फिर वहाँ से सीधे बाइक लेके अपनी चौंकी है बोला यहाँ आए, यहाँ से एक दीवान जी को साथ लेके फिर हम आए। जब तक 100 नंबर वाले भी आ गए थे तुरंत ही, तो उसके बाद में फिर अपने थाना इंचार्ज आ गए, वे आके यहाँ घटना स्थल पर लेके आए। अब पता नहीं क्या आगे की कार्रवाई करेंगे, हमें तो इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, वो पैसे लेके कहाँ से आ रहा था, क्या कर रहा था? वो लुवारी से आ रहा था जी, जो बताया उसने। और मलकपुर में कोई KCC वगैरह है, किसान कार्ड, उसे भरने के लिए जा रहा था। अच्छा, ये था उसमें।